उभरा छात्र वीरो उठो चलो, धनार्दन धर्मा सूर्य उभरा छात्र वीरो उठो चलो उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा छात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा छात्र वीरो उठो चलो उठो चलो। एक फैक्ट के ऊपर, अगर एक घटना है उस घटना के ऊपर तीन या चार अलग अलग ढंग के फैसले दिए जा सकते हैं और सबको लगेगा कि यही फैसला सही है। तो जजों का भी काम यही होता है कि वो फैसले देते हैं और हमको उस फैसले को मानना पड़ता है। अब अगर उस जज का अपॉइंटमेंट, उस जज की नियुक्ति अगर ऐसी विचारधारा से प्रभावित होकर आई हो या ऐसी विचारधारा के पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हों तो उसका फैसला भी उससे प्रभावित होगा, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि चूंकि ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स राजनीति से प्रभावित होते हैं और एक पॉलिटिकल सिस्टम जिसने कि इस देश के अंदर में इतने सालों तक उसके ऊपर रूल किया और उस विचारधारा से प्रभावित होते हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि सारे फैसले जो है हिंदू विरोधी होते हैं और वो हिंदुओं की भावनाओं के साथ में एक तरह से खिलवाड़ होता है। तो समस्या वहां से शुरुआत होती है कि आप किस तरह के जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं और उसकी प्रणाली क्या है। मैं आपको बताऊं, अगर किसी सरकारी दफ्तर में अगर किसी एक प्यून का भी अपॉइंटमेंट होना है, अगर उसकी नियुक्ति होनी है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ रेगुलेशंस होते हैं कि उसके कुछ क्राइटेरिया होगा, कोई पैरामीटर होगा कि किस तरह से आपका अपॉइंटमेंट होगा। आपको बता दूं कि एक हाई कोर्ट के जज एक सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए कोई पैरामीटर्स नहीं है। जस्टिस SH कपाड़िया जो अभी रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट से, जब उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया तो वो हमारे हाई कोर्ट में थे, पारसी थे। अब उनको पहले तो जब चीफ जस्टिस बने वो दूसरे किसी हाई कोर्ट के, और उनको सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट में जब लेके आया गया वहां पे, तो उन्होंने करीब 23 सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट्स के विभिन्न हाई कोर्ट के 23 चीफ जस्टिसेस को सुपरसीड किया कराया गया, और उस सुपरसीड करने के बाद में उनको वहां पे हाई कोर्ट में लेके आए। तो इस तरह की घटनाएं रोज हो रही हैं और इसलिए हम समय समय पे जब भी हमको मौका मिलता है हम सब मिलके लिखते रहते हैं कि किस तरह से काम किया जाए और किस तरह से न्यायपालिका को सुधारा जाए। एक मैंने बहुत पहले सुझाव दिया था जब राम जेठमलानी लॉ मिनिस्टर थे, करीब 10 साल पहले, मैं और घनश्याम उपाध्याय यहाँ पे बैठे हैं, हम लोगों ने कहा था कि आप आज करप्शन, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों को लेकर नहीं होता है, भ्रष्टाचार में फेवरेटिज्म होता है, नेपोटिज्म होता है कि आप किसी एक वकील को आप फेवर करते हैं। हो क्या रहा है कि पिछले कई सालों से जैसे कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनता है, तो जज का बेटा जज बनता है। आज हमारे हाई कोर्ट में तो कम से कम ये बात है और पूरे देश में है मेरे ख्याल से कि एक अगर किसी भी जज को अगर पूरा उनका डेटा निकाला जाए तो या तो उनका पिता या उनका चाचा मामा काका कोई ना कोई पहले जज रहा हो और उस जज के होने की वजह से उसका अपॉइंटमेंट होता है। अब होता क्या है कि जैसे एक हाई कोर्ट है, मान लीजिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट है, वहां की स्ट्रेंथ 50 है, 50 जजेस की है, और 50 जजेस की में समझ लीजिए कि 15 जजेस ऐसे हैं जिनके कि बच्चे भी उसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब उसके बच्चे, जैसे कि मेरा बेटा अगर बॉम्बे हाई, मैं जज हूं हाई कोर्ट का, मेरा बेटा अगर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है तो वो मेरे सामने अपियर नहीं होगा। संजीव पुनालेकर का बेटा मेरे सामने अपियर हो सकता है, मेरा बेटा संजीव पुनालेकर के सामने अपियर हो सकता है। तो ये बड़ा एक गंभीर विषय है, ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग होती है कि अंग्रेजी में कहावत है कि यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर बैक, कि तुम मेरे बेटे को प्रमोट करो मैं तुम्हारे बेटे को प्रमोट करूंगा। और इस तरह की घटनाएं हमने देखी अपने अपने जीवन काल में, आज भी देख रहे हैं। हम अचानक देखते हैं कि एक ये वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो वेटिंग पीरियड है बहुत लंबा समय होता है। आप एक वकील को एक जिसको कि कहते हैं कि रिकॉग्निशन, एक उसको पहचान बनाने के लिए कम से कम 10-15 साल उसको कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तब अपना वो स्थान बना पाता है।
लोग उसको ब्रीफिंग करना शुरू करते हैं, उसके पास में मैटर्स ला के देते हैं अपना उससे केस लड़वाने के लिए। इसके विपरीत अगर एक हाईकोर्ट का जज का बेटा, हमने देखा है 2-3 साल के प्रैक्टिस में वो 70 लाख और 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपये और 3 करोड़ रुपये का टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो वो करता क्या है, वो ब्लैक मनी को वाइट करता है, उसका इनकम नहीं होता है। अगर इनकम होता भी है तो क्यों होता है वो, क्योंकि वो चूंकि वो जज का बेटा है इसीलिए अचानक वो बहुत धुरंधर वकील हो गया। वो जिस वकील को हमारे जैसे लोगों को अगर 15 साल लग जाता है, वो 2 साल के अंदर में उसको 3 करोड़ रुपए का वो टैक्स रिटर्न फाइल करता है, और ये सब डॉक्यूमेंटेड है। ये बड़ा गंभीर विषय है, जिस गंभीर विषय को हम समय समय पे हम लोग उठाते रहते हैं। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो।